हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आलोक पटेल। आज हम एक छोटा सा केस देखते हैं और एक छोटी सी मेडिसिन तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक छोटा सा सेट देखते हैं और एक बच्चे का केस है। तो जनरली बच्चों की केसेस में क्या होता है, द चाइल्ड आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेजिंग चिल्ड्रंस केसेस इज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो हमको बच्चों के केसेस में क्या करना होता है, बहुत सिंपल चलना होता है। इन केसेस में बच्चों का जो खुद का वर्बल कम्युनिकेशन है, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चूज में क्या होता है, जो मतलब कि तीन साल चार साल पाँच साल, इन बच्चों के जो 6 साल 7 साल तक की एज में जो इनका वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, इनका जो बिहेवियर होता है वो लर्निंग बिहेवियर होता है, वो इधर उधर से कलेक्ट करके अपने अपना जो डाटा देते हैं वो कलेक्टेड डाटा है, तो उनका खुद का ब्रेन नहीं होता। ठीक है, उनका खुद का जो कंसर्न नहीं होता। तो चिल्ड्रंस के केसेस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जो आपने ऑब्जर्व किया केस को, आप जो आपने अपनी क्लिनिक पे चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व किया, और दूसरा जो पेरेंट्स ने बच्चे के बारे में ऑब्जर्व किया अपने घर में, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही हम एक केस देखते हैं, हम और भी डिटेल में बात करेंगे आगे बच्चों के केसेस को, कैसे केस टेकिंग किया जाता है और कैसे बच्चों के केस को क्योर की तरफ प्रोसीड किया जाता है। तो अब ये एक छोटा सा केस है कि जिसमें एक बच्चा है 7 साल का, वो उसके पेरेंट्स उसको कुछ प्रॉब्लम्स के लिए लेके आए थे, तो जो भी तो बच्चों से उसके बच्चे से जो हमने पूछा वो अलग डाटा लिया, छोटा मोटा जो भी था। बच्चा जैसे जब हम पूछ रहे थे तो बच्चा हमको बात नहीं कर रहा था, बच्चा हमारे साथ बराबर से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, वो इधर उधर ऐसे वॉल में देख रहा था, कभी ऐसा देख लेता था फिर थोड़ा इधर उधर कर कैसे घूमने लगता था, मतलब उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। एक चीज़ तो पेरेंट्स से पूछे कि ये इसका स्वभाव कैसा है, तो आपको बच्चों की केस टेकिंग उसके पेरेंट्स से करनी है। तो पेरेंट ने बताया कि बहुत ज़िद्दी है, जो चीज़ को अड़ जाता है तो उसको चाहिए चाहिए, जब तक मिलता नहीं तब तक शांत नहीं होता उसको, तब तक गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है बच्चा, ये स्वभाव ही इसका चिड़चिड़ हो गया है और बहुत ज़्यादा जिद करता है। ठीक है, जिस चीज़ पे अड़ जाए तो वो छोड़ता नहीं जब तक मिले ना उसको। ठीक है, और उसके पेरेंट्स ने बताया कि इसको गुस्सा भी आता है और जब गुस्सा आता है तो चीज़ों को फेंक देता है। ठीक है, और एक चीज़ और हमने पूछ लिया कि ये सोता कैसे है, तो उसके पेरेंट ने बताया कि ये जनरली साइड में भी सोता है लेकिन ज़्यादातर ये पेट के ऊपर ज़्यादा सोता है, मतलब अपने पेट के बल पे ज़्यादा सोता है। तो ये इतना छोटा सा केस था। ठीक है, इस पर ही हमने कुछ रूब्रिक डाले, तो सबसे पहला रूब्रिक जो हमारा था ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे था, हमने क्या देखा कि बच्चा हमारे साथ डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, वो इधर उधर देख रहा है। ठीक है, तो और जब हम देखते थे उसको तो तुरंत उसकी नज़रें कहीं और हो जाती थी। तो फर्स्ट रूब्रिक जो होता है हमारा, लुक्ड कांट बियर लुक्ड एट। ठीक है, चिल्ड्रन से बच्चों को हमने जैसे ही उनको देखा, उनको देखना सामने वाले का देखना उसको बर्दाश्त नहीं होता है, अपना कांट बियर लुक्ड एट। ठीक है, कई बच्चे इसी जैसे ही आप देखेंगे तो रोने लगते हैं, 2 साल के बच्चे आपके क्लिनिक पे आएंगे जैसे ही आपने देखा तो रोना शुरू हो गया। ठीक है, ये भी कांट बियर लुक्ड एट ले सकते हैं। दूसरा रूब्रिक लिया इवेडिंग लुक्स। ठीक है, जैसे ही हम उसको देखते हैं इधर उधर आँख को घुमा देता है और हमसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इवेडिंग लुक है। इवेडिंग लुक में क्या करते हैं, जैसे ही आपने उसकी आँख में आँख डाली वो उसका तुरंत आँख कहीं और हो गया, और फिर थोड़ा घूम फिर के वह वापस आपकी आँख में आए, आपकी आँख में देखना शुरू किया और फिर उनका आँख इधर उधर रोल हो जाता है, तो ये आँख चुराना जिसको बोलते हैं। ठीक है, नज़र चुराना ये कहलाता है इवेडिंग लुक। तीसरा जनरल रूब्रिक लिया हमने ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन सिन। ठीक है, और पांचवा इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन सिन। ये बड़े बड़े रूब्रिक लेना है आपको, और छठवा रूब्रिक ले सकते हैं थ्रोस थिंग्स अराउंड, बच्चा सामान फेंक देता है। अब एंगर थ्रोस थिंग्स अराउंड में वो मेडिसिन नहीं है, तो
आप बड़ा रूब्रिक ले सकते हैं थ्रोस थिंग्स अराउंड, और ये इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि ये बच्चा चिड़चिड़ है, स्वभाव से ही चिड़चिड़ है, तो उस चिड़चिड़ाहट की वजह से वो अपना सामान फेंक देता है। चिड़चिड़ है तो गुस्सा आना नेचुरल सी बात है, और कई लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट इरिटेशन नहीं है, चिड़चिड़ाहट नहीं होती, लेकिन गुस्सा आता है। तो जैसे मैं कहूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सामान फेंक देता हूँ, वैसे मेरा स्वभाव चिड़चिड़ नहीं है, समझा। तो इस केस में हमने इनको इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन सिन लिया, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन सिन, थ्रोस थिंग्स अराउंड और कॉन्ट्राडिक्सर इंटॉलरेंस, जब इसके मन का नहीं होता तो ये बच्चा गुस्सा करता है, ठीक है, सामान फेंक देता है, तोड़ देता है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक के ऊपर हमने इसको क्यूप्रामेट दिया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन हम चाइल्ड के केसेस में देख सकते हैं, और इस तरीके से पेशेंट का, बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सेटल कर सकते हैं, और बहुत फास्ट सेटल होता है होम्योपैथी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, थैंक यू।